स्टोरी स्टार्ट होती है। हम लोग देखते हैं बर्थ प्लैनेट पे एक बहुत ही हाई लेवल की मीटिंग इमरजेंसी में बुलाई जाती है, और उस हाई लेवल वाली मीटिंग में बर्डमैन भी रहते हैं। उस मीटिंग में बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी होते हैं और बहुत बड़े बड़े ऑफिसर भी होते हैं। तो हम लोग देखते हैं ये मीटिंग स्टार्ट होती है एंड हम लोग देखते हैं जो बर्ड प्लैनेट के हेड ऑफिसर रहते हैं उस टाइम वो बैठते हैं और वो एक डिसीज़न लेते हैं जो कि बहुत ही बड़ा डिसीज़न होता है प्रेजेंट टाइम में। वो डिसीज़न लेते हैं पूरी सिक्योरिटी को देखकर, पूरे ब्रह्मांड की सिक्योरिटी को देखकर वो डिसीज़न लेते हैं कि वो बर्डमैन को बर्ड प्लैनेट पे लेके आएंगे अर्थ से, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है बर्डमैन को। और हम लोग देखते हैं ये मीटिंग वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, और ये मीटिंग ये फैसला बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स के रहते हुए लिया गया था कि वो बर्डमैन को बर्ड प्लैनेट पे लेके आएंगे, क्योंकि उस टाइम बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा था पूरे यूनिवर्स पे और बर्डमैन और अर्थ के ऊपर। इस वजह से बर्ड प्लैनेट के हेड ऑफिसर ये डिसीज़न लेते हैं कि वो बर्डमैन को अर्थ से बर्ड प्लैनेट लेके आएंगे। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बर्डमैन जो रहते हैं वो रेडी हो जाते हैं कि वो बर्डमैन को बर्ड प्लैनेट पे लेके आएंगे। अगली सुबह हम लोग देखते हैं बर्डमैन जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है, और हम लोग देखते हैं बर्डमैन अपना उठता है और ब्रेकफास्ट करता है, और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो स्कूल चला जाता है। और आज स्कूल में उसका बहुत ही अच्छा दिन रहता है, आज उसे सर डांटते नहीं हैं, मिची को उससे अच्छे से बात करती है, काबा और साबू उसे परेशान नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उसका आज बहुत ही अच्छा दिन जा रहा था। तो हम लोग देखते हैं बर्डमैन जो रहता है वो अपने घर पे आ जाता है और अपने रोबोट से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसे बर्डमैन का कॉल आता है। बर्डमैन जो रहते हैं वो बर्डमैन को अपने पास बुलाते हैं। हम लोग देखते हैं बर्डमैन जो रहता है वो बर्डमैन के पास आता है, और बर्डमैन जो रहते हैं वो सारे बर्डमैन को अपने पास बुलाए रहते हैं। तो हम लोग देखते हैं सारे बर्डमैन जो रहते हैं वो बर्डमैन के पास आ जाते हैं। तभी बर्डमैन जो रहते हैं वो एक बहुत ही बड़ी चीज़ बोलते हैं जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। बर्डमैन जो रहते हैं वो कहते हैं कि बच्चों, तुम लोग की मेहनत देखकर बर्ड प्लैनेट से एक ऑर्डर आया है कि तुम में से कोई एक आगे चलकर मेरा बर्डमैन बन सकता है। ये खबर सुन के ही वहाँ पे जितने भी बर्डमैन्स रहते हैं खुशी के मारे झूम उठते हैं। तभी हम लोग देखते हैं बर्डमैन जो रहते हैं वो कहते हैं कि मेरे पास तुम लोग के रिजल्ट्स हैं, और जिनके रिजल्ट्स अच्छे होंगे वही आगे चल के बर्डमैन बन सकता है। तो हम लोग देखते हैं बर्डमैन जो रहते हैं वो रिजल्ट्स डिक्लेयर करते हैं, जिसमें फोर्थ नंबर पे पायन होता है, थर्ड नंबर पे वूपी, सेकंड नंबर पे पाको और फर्स्ट नंबर पे बर्डमैन होता है। तो हम लोग देखते हैं बर्डमैन जो रहते हैं वो बर्डमैन को कॉन्ग्रेट्स करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, इसका मतलब है तुम फ्यूचर में मेरी तरह बर्डमैन बन सकते हो। तो हम लोग देखते हैं ये वर्ड सुन के बाकी सारे लोग बर्डमैन के लिए खुश हो जाते हैं और बर्डमैन भी खुश रहता है। बट ये खुशी किसी एक के लिए ज़्यादा देर तक ही नहीं रहती है, जब बर्डमैन ये कहते हैं कि बर्डमैन तुम्हें अब मेरे साथ बर्ड प्लैनेट जाना है। तभी हम लोग देखते हैं बर्डमैन तो ये बात सुनकर खुश रहता है कि उसे बर्ड प्लैनेट जाता है, बट सुमिरे जो रहती है वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है कि बर्डमैन, मेरा बर्डमैन बर्ड प्लैनेट चला जाएगा, मुझसे दूर हो जाएगा। ये सारी बातें सुमिरे जो रहती है वो सोच रही होती है, और हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन जो होता है वो बहुत ही खुश हो रहा था क्योंकि अभी उसे कुछ पता नहीं था। हम लोग देखते हैं बर्डमैन जो रहते हैं वो बर्डमैन से कहते हैं कि बर्डमैन तुम्हारे पास 2 दिन का समय है, तुम्हें जितनी मस्ती करनी है जिससे भी मिलना है मिल लो, क्योंकि 2 दिन बाद मैं आऊँगा और तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। बर्डमैन जो रहते हैं वो चले जाते हैं और बर्डमैन बहुत ही खुश रहता है। तभी हम लोग देखते हैं सुमिरे जो रहती है वो बर्डमैन को देखकर रोने लगती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो क्या करती है, वो बर्डमैन से बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। बर्डमैन जो होता है वो पूरे अपने 2 दिन को एंजॉय करता है, वो मिचिको से मिलता है, कबा और साबू से मिलता है, उनके साथ खेलता है, अपने मॉम डैड के साथ रहता है, अपने गांकों से मिलता है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है, और उसे बुरा भी लग रहा था कि वो उनको छोड़ के जा रहा है। हम लोग देखते हैं बर्डमैन रात में अपने बेड पे लेटा होता है, तभी वो पाको के बारे में सोचने लगता है। वो सोचने लगता है कि पाको क्यों रोने लगी थी, उसकी आँखों में आंसू क्यों थे, और वो वहाँ से क्यों चली गई,
और हम लोग देखते हैं परमैन सोचते सोचते बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, और परमैन कहीं ना कहीं पाको को पसंद करता है। हम लोग देखते हैं परमैन के मन में कहीं ना कहीं ये बात उसे खाई जा रही थी कि पाको क्यों रोके चली गई। और परमैन जो रहता है वो पाको को बहुत ही ज़्यादा कॉल करता है, बट पाको उस बीच में कॉल भी नहीं उठाती है। सो परमैन जो रहता है वो सो जाता है। और हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं सुमीर जो रहती है वो बहुत ही ज़्यादा उदास और नर्वस रहती है। वो कहती है कि अब एक ही चांस और ये लास्ट चांस है परमैन को अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए कि वो पाको नहीं सुमीर होशिनो है। और वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही थी ये सोच सोच कर कि परमैन का रिएक्शन क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि मैं ही सुमीर होशिनो हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा उदास दुखी और एक्साइटेड रहती है ये सब चीज़ को लेकर, बट बहुत ही ज़्यादा वो उदास रहती है कि परमैन अर्थ छोड़ के जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं सुमीर जो रहती है वो रात भर अपने सोफे के पास बैठी होती है और यही सोच रही होती है, और सोचते सोचते उसे पता नहीं कब नींद आ जाती है और वो सो जाती है। अगली सुबह, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खास होता है क्योंकि परमैन का आज आखिरी दिन रहता है ड्यूटी पे। तो परमैन क्या करता है, वो आज अपनी ड्यूटी को आखिरी दिन बहुत ही अच्छी तरीके से करता है, बट आज के दिन सुमीर जो रहती है वो अपनी ड्यूटी पे नहीं आती है। तो हम लोग देखते हैं परमैन पाको से मिलना चाहता था बट पाको नहीं आती है ड्यूटी पे। परमैन बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है, और हम लोग देखते हैं परमैन अपनी ड्यूटी ख़त्म करके अपने घर पे आ जाता है, और शाम हो चुकी थी। परमैन जो रहता है वो पाको को बहुत ही ज़्यादा कॉल करता है बट पाको नहीं उठाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं पाको जो रहती है वो बहुत ज़्यादा उदास होती है और वो परमैन का कॉल भी नहीं उठाती है। तो हम लोग देखते हैं परमैन कॉल उल करके बहुत ही ज़्यादा थक जाता है, वो बहुत ज़्यादा कॉल करता है पाको को, पाको उठाती भी नहीं है। तो हम लोग देखते हैं परमैन जो रहता है आज उसका आखिरी दिन रहता है अर्थ पे, क्योंकि रात को परमैन जो रहते हैं वो परमैन को लेने आने वाले थे। तो परमैन आज अपने दिन को पूरा एंजॉय करता है। वैसे भी शाम हो गई थी और कुछ ही घंटे बाकी थे रात होने में, तो परमैन क्या करता है वो अपने मॉम डैड और गांको के साथ आखिरी बार बात करता है, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से। हम लोग देखते हैं परमैन को अब पता भी नहीं रहता है कि फिर वो कब अपने परिवार वालों से मिल पाएगा। तो परमैन आखिरी बार अपने परिवार से मिलता है, अच्छे से बात करता है, फिर बात उत करने के बाद वो लोग डिनर करते हैं, और डिनर करने के बाद परमैन जो रहता है वो अपने रूम में आ जाता है। तो हम लोग देखते हैं परमैन आता ही है जैसे ही अपने रोबोट को वो एक्टिव करते हैं, और रोबोट को सारी बात पहले से पता रहती है। वो परमैन के लिए रोने लगता है, और इन दिनों में परमैन और रोबोट बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। इस वजह से रोबोट को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि परमैन अर्थ छोड़ के जा रहे हैं, अब वो परमैन से नहीं मिल पाएगा। एक फीलिंग अलग थी रोबोट और परमैन की। तभी परमैन के बैच पे बर्डमैन का कॉल आ जाता है। बर्डमैन जो रहते हैं वो परमैन को ले जाने के लिए आ जाते हैं। तभी जो परमैन रहता है वो अपने रोबोट को शांत कराता है और कहता है कि आज से तुम हिस्सो हो और मेरे परिवार का ध्यान रखना। इतना ही कहकर वो अपने रोबोट को बाय करता है और उसका रोबोट रोने लगता है फिर से। हम लोग देखते हैं मिसो जो रहता है वो बर्डमैन के पास आ जाता है। परमैन देखता है कि वहाँ पे पहले से ही पाको, वूवी और पायान मौजूद हैं। तो हम लोग देखते हैं पायान, वूवी, पाको सब परमैन को आखिरी बार बाय करने आए थे। तभी परमैन को सभी लोग गिफ्ट दे रहे होते हैं, और गिफ्ट देने की बारी अब पाको की आती है। पाको क्या करती है, परमैन का हाथ पकड़ के स्पेसशिप के पीछे ले जाती है और परमैन को अपनी आइडेंटिटी दिखा देती है। हम लोग देखते हैं परमैन जो रहता है ये देखकर एकदम शॉक हो जाता है कि पाको ही सुमीर है। एंड हम लोग देखते हैं परमैन जो रहता है वो अपने दिल की बात बता देता है, एंड सुमीरे भी जो रहती है वो सब कुछ बता देती है कि वो परमैन को कितना पसंद करती है। एंड हम लोग देखते हैं परमैन जो रहता है वो बहुत ही खुश होता है, और हम लोग देखते हैं कि सुमीरे परमैन से कहती है कि परमैन तुम अर्थ पे वापस ज़रूर आना। तो परमैन
सुमित से वादा करता है कि मैं अर्थ पे वापस ज़रूर आऊँगा। तो परमैन जो रहता है वो बर्डमैन के साथ बर्ड प्लैनेट चला जाता है, वो अर्थ को छोड़ देता है। और हम लोग देखते हैं परमैन के जाने के बाद सुमेरे बहुत ही ज़्यादा रोने लगती हैं और पायन और बूबी उसे शांत कराते हैं। और शांत कराने के बाद हम लोग देखते हैं पाको जो रहती है अपने घर पे आ जाती है और बूबी और पायन भी अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद हम लोग देखते हैं बर्ड प्लांट से एक ऑर्डर आता है बर्डमैन के लिए कि वो सारे परमैन्स के बैच और रोबोट ले लें जो कि अभी इस टाइम अर्थ पे हैं, यानी पायन और पाको और बूबी के बैचेस ले लिए जाएं। ये डिसीज़न इसलिए लिया गया था क्योंकि अर्थ पे क्राइम रेट बहुत ही कम हो चुका था, जिसकी वजह से परमैन्स की अब ज़रूरत नहीं थी, तो ये काम बर्डमैन को ही दिया जाता है। बर्डमैन जो रहते हैं वो आते हैं अर्थ पे और पायन बूबी और पाको को कॉल करके बुलाते हैं और उनको सारी चीज़ें बता देते हैं। और हम लोग देखते हैं पायन बूबी और पाको अपने बैचेस और रोबोट बर्डमैन को दे देते हैं। यहाँ से इन तीनों की नई लाइफ और नई लाइफ की जर्नी स्टार्ट होती है और बर्डमैन जो रहते हैं वो फिर से बर्ड प्लैनेट चले जाते हैं। सो दूसरी तरफ पायन बूबी और सुमेरे जो रहते हैं वो आज के दिन को रिटायरमेंट डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। और हम लोग देखते हैं पायन और बूबी को पहले से पता रहता है कि पाको ही सुमेरे हैं, तो पायन बूबी और सुमेरे रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, किसी क्लब में जाते हैं, बढ़िया इंजॉय करते हैं। और इसी तरह करते करते रात हो जाती है और पायन बूबी और सुमेरे अपने अपने घर पे चले जाते हैं। हम लोग देखते हैं सुमेरे जो रहती है वो अपने घर पे आ जाती है। सुमेरे देखती है आज उसका घर बहुत ही खाली खाली और सोना सा लग रहा था क्योंकि उस घर में आज उसकी रोबोट नहीं रहती है जो कि उसका हमेशा इंतज़ार करती रहती थी। तो ये सुमेरे को बहुत अजीब लगता है, पहले परमैन चला गया, फिर उसकी रोबोट चली गई, फिर वो परमैन की ड्यूटी से रिज़ाइन हो गई और फिर अब वो अकेले पड़ गई। उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो रोने लगती है, उसे लगता है कि वो बहुत ही अकेले हो गई है अपनी ज़िंदगी में। 6 महीने बाद हम लोग देखते हैं सुमेरे अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाती है क्योंकि वो धीरे धीरे और बड़ी सेलेब्रिटी बनती जा रही थी और उसे बहुत सारी मूवीज़ का ऑफर आ रहा था, जिसकी वजह से सुमेरे एक जगह से दूसरी जगह हमेशा ट्रैवल ही करती रहती थी और वो ज़्यादातर अकेले नहीं रहती थी। और इस वजह से वो अब धीरे धीरे अपने रोबोट के बारे में भी भूल जाती है। अब सुमेरे की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो चुके थे। दूसरी तरफ परमैन जो रहता है वो बर्ड प्लैनेट पे बस सुमेरे को ही याद करता रहता था और सुमेरे के बारे में ही सोचता रहता था कि पाको ही सुमेरे निकली, मुझे पता नहीं रहता है। और वो अपनी बहुत ही मेहनत से ट्रेनिंग करता है जिसकी वजह से वो कम दिनों में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है बर्ड प्लैनेट पर। और बर्ड प्लैनेट पे परमैन की एक बहुत ही अच्छी दोस्त बन जाती है जिसका नाम एलिना रहता है। सुमेरे अब 17 ईयर्स की हो गई थी और आज सुमेरे को बर्थडे रहता है, तो इस वजह से सुमेरे अपने घर पे ही होती है तो वो लोग ज़्यादा लोग को बुलाती भी नहीं है क्योंकि उसे भीड़ भाड़ ज़्यादा पसंद नहीं रहती है। तो वो क्या करती है कि बगल के पड़ोसी वाले बच्चों को अपने बर्थडे पार्टी में बुला लेती है और रात भी हो चुकी थी, तो सुमेरे केक को कट करती है और सारे बच्चों को दे देती है। और देने के बाद वो क्या करती है, वो अपनी बालकनी में आ जाती है और वो आसमान की तरफ देख रही होती है। तभी सुमेरे के पीछे से कोई बोलता है कि तुम अपने बर्थडे पार्टी में क्यों बच्चों को बुलाई हो, बड़े लोग को बुलाते तो ज़्यादा मज़ा आता। तभी सुमेरे जो रहती है वो आसमान की तरफ देख ही रही होती है, तभी उसका रिप्लाई करती है कि मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है और मैं अपने बर्थडे को सिर्फ ऐसे ही सेलिब्रेट कर लेती हूँ। तभी सुमेरे सोचती है कि उसके पीछे से कौन बोला, तभी वो पीछे मुड़ के देखती है कि मिस्वो, और वो अचानक से शॉक हो जाती है कि मिस्वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। एंड वो एकदम चौक से जाती है, हैं मिस्सो, और वो मिस्सो को गले लगा लेती है और वो आज बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है। और हम लोग देखते हैं परमैन पाको एक दूसरे को हग किए ही होते हैं और
कुछ मिनट बाद छोड़ते हैं। सुमेरे जो रहती है वो परमैन के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है। मिसो जो रहता है वो सुमेरे के लिए एक प्रेजेंट लेके आया रहता है, एक ब्लैक बॉक्स, और वो सुमेरे को देता है और कहता है ये मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। और वो सुमेरे को वो ब्लैक बॉक्स गिफ्ट कर देता है। मिसो जो रहता है वो सुमेरे से कहता है कि तुम इस ब्लैक बॉक्स को संभाल के रखना। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं सुमेरे और मिसो आपस में बहुत ही ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ही दिनों बाद मिले थे, और बात करते करते पता नहीं 2-3 घंटा कैसे निकल जाता है। और हम लोग देखते हैं जितने लड़के आए रहते हैं, बच्चे छोटे छोटे, वो लोग अपने घर पे चले जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं मिसो को एक अचानक से कॉल आता है बर्ड प्लांट से, और ये कॉल बहुत ही इमरजेंसी वाला होता है। परमैन पहले इग्नोर कर रहा था, बट कॉल आया जाता है परमैन को। तो सुमेरे कहती है कि परमैन देखो किसी का कॉल आ रहा है, उठा लो। तो मिसो नहीं उठाता है, बट सुमेरे कहती है अरे परमैन उठा लो। तो परमैन जो रहता है वो कॉल उठाता है, और बर्ड प्लांट से एक एमरजेंसी वाला मैसेज उसे मिलता है कि मिसो तुम जल्दी से बर्ड प्लांट आ जाओ, बर्ड प्लांट के लोग अचानक से गायब होते जा रहे हैं, जल्दी करो मिसो तुम जल्दी से आ जाओ। तो हम लोग देखते हैं ये बात सुनकर परमैन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है बगैर कुछ भी बताए सुमेरे को। तो गाइस इस मूवी का फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। तो गाइस इस मूवी के फर्स्ट पार्ट पे हम लोग लाइक का टारगेट रख रहे हैं 2K लाइक्स का। तो गाइस जल्दी से यार 2K लाइक्स कंप्लीट कर दो, और गाइस आपको ताकि जल्दी से इसका नेक्स्ट पार्ट मिल जाए। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।